भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन ऐतिहासिक भूशाला एक बार फिर सुर्खियों में आई जब रात्रि को मां बगदेवी की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे रात्रि को ही पुरुष ने भूशाला से हटाया। बगदेवी की मूर्ति प्रकट होने के समाचार के बाद भूशाला में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट गई। आपको बता दें कि रात्रि को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भूशाला में मां बगदेवी की प्रतिमा प्रकट होने की सूचना दी गई थी। वायरल वीडियो के बाद प्रशासन भी देर रात्रि को नींद से जागा और भूशाला में स्थापित की गई मां बगदेवी की मूर्ति को वहां से हटाया। मां बगदेवी की मूर्ति को लेकर हिंदू नेता पंडित गोपाल शर्मा ने कहा कि वर्षों से हिंदू समाज भूशाला में मां बगदेवी की स्थापना को लेकर तपस्या कर रहा है, जिसका फल आज स्वयं मां सरस्वती ने भूशाला में प्रकट होकर दिया है। पंडित शर्मा ने उक्त हिंदू वीरों को धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया जिन्होंने भूशाला में मां बगदेवी की मूर्ति स्थापित की। भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने भूशाला परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रात्रि को भोजशाला में मां बगदेवी प्रकट हुई थी, जिसे प्रशासन द्वारा रात्रि को ही उस स्थान से हटा दिया। श्री जैन ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए मांग की है कि यदि मूर्ति को भूशाला में वापस स्थापित नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सुबह से ही मूर्ति को लेकर पहली अफवाह के बाद बड़ी संख्या में भूशाला में भीड़ बढ़ गई। इसे देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। भूशाला की घटना को लेकर एडिशनल एसपी डॉक्टर इंद्रजीत मलकवार ने बताया कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन स्थित भूशाला परिसर के बाहर लगी तार फेंसिंग को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि में काटकर उक्त स्मारक में मूर्ति रखने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरण में संज्ञान लिया जाकर उक्त कृत्य करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जाकर पुरातत्व विभाग के नियमों के उल्लंघन होने से पुरातत्व विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर कार्रवाई की जा रही है तथा भूशाला में लगे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो को प्राप्त कर विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के आधार पर ऐसे लोगों के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद धार शहर में शांति है तथा कानून व्यवस्था पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। जय हिंदू राष्ट्र बंदे मातरम। मुझे जानकारी मिली कि धार भूशाला के गर्भगृह में मां बाघ देवी का प्रकट हुआ। यह पूरे सनातन धर्म के लिए संपूर्ण विश्व में आराधक जो माँ की आराधना करते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनके लिए बड़े ही हर्ष का विषय है और यह बड़े साहस का काम है। मुझे लगता है कि भारत में अगर कोई साहस का काम करता है आज की तिथि में तो अखिल भारत हिंदू महासभा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम में माँ बागेश्वरी देवी ने जो आराधना स्वीकार की है वो हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की है। मैं उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सच्चे मन से माँ की आराधना की, जिनके कारण माँ बागेश्वरी का प्राकट्य हुआ, उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ और संपूर्ण विश्व के सनातनी जनों से मैं अपील करता हूँ कि माँ आपको दर्शन देने के लिए भूशाला में पधारी हैं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भूशाला जाएं और मां के दर्शन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। तकरीबन 3 बजे के करीब मूर्ति की स्थापना कर दी गई है, क्या है भाई? अपने तो हिंदू धर्म में की प्रतिमा में तो स्वयं को प्रकट होती है और इसी अगर स्वयं को प्रकट हुई है तो ये सब हिंदू समाज के लिए एक प्रसाद का रूप है। ये जो भी आज प्रतिमा स्थापित जो जिसने भी की है, मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उसने हिम्मत तो करी। हम 30 साल से केवल घंटा घड़ियाली बजा रहे हैं, अपने लोगों से सत्याग्रह कर रहे हैं कि भैया प्रतिमा ला दो ला दो। ये संगठन का काम नहीं है, लेकिन जिनने भी किया है वो साधुवाद का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है कि उसने एक हिम्मत करके प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित की है। और प्रशासन से आग्रह है कि प्रतिमा, चूँकि हमारा सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य भी है कि भूशाला मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना, प्रतिमा की स्थापना, तो उसने अपने तरीके से किए, उसका भी उसका अपना तरीका आंदोलन करने का, हमारा अपना तरीका है, इसलिए हम उसका साधुवाद करते हैं। प्रतिमा जो इसने करी है उसका हम हिंदू समाज में बधाई। क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है? मुझे आप कह रहे हैं स्वयं भू अपने आप प्रकट हुई, एक तरफ आपको साधुवाद दे रहे हैं तो दो चीज क्रॉस चल रही है। तो स्वयंभू ही तो अभी हिंदू समाज में तो है, कल जिसका जिसकी पता नहीं हो तो वो स्वयंभू कहलाएगी। अब पता लगाने का काम प्रशासन का है और उसकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, क्योंकि उसने एक अच्छी भाव, उसकी भावना तो शुद्ध है ना, तरीका उसका अपना है। हालांकि अब मूर्ति वहाँ मौजूद नहीं है, प्रशासन को चाहिए कि प्रतिमा वहाँ रखे जल्दी, हमारा भी तो यही लक्ष्य है, उसने हमारा लक्ष्य जल्दी पूरा किया, उसकी भावना अनुरूप किया। नाम और पूछ, गोपाल शर्मा, बहुत ज्यादा सत्याग्रही। जय जय जय।
आज हमारे लिए धार नगर के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज जो हर भोजशाला में माँ सरस्वती के भगत जो 30 साल से निरंतर सत्याग्रह बाहर भी कर रहा है और अंदर भी कर रहा है और निरंतर जारी है, उसी के रूप में उसी के फलस्वरूप माँ वाघ देवी आज हमारे सामने प्रकट हुई। और प्रशासन ने जिस प्रकार से 6 बजे सुबह उसको यहाँ से कहीं भी आदेश करा है और ये हमें मालूम पड़ जाएगा कहाँ है, उसके लिए प्रशासन से चेतावनी देता हूँ जहाँ भी मूर्ति है वो वापस यहाँ ला कर रखे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा क्योंकि धार की जनता अब ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो माँ वाघ देवी हमारी हमें प्राप्त हुई है, जिन्हें हमें दर्शन देने के लिए प्रकट हुई थी, उसे कहीं ले जाकर रखा गया, जिस प्रकार से जो करा गया वो गलत है और उसके लिए हम बहुत इनका विरोध करते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्ण माँ वाघ देवी को वापस यहाँ ला कर रखे और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जैसा कि 2002 में सत्याग्रह पर लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद 2003 में जो धार की स्थिति बिगड़ी थी, मैं नहीं चाहता कि ऐसी फिर वापस स्थिति बिगड़े। बस यही मेरा है प्रशासन से कि मूर्ति को वापस ला कर रखे, नहीं तो फिर हमें अपना वही रूप दिखाना पड़ेगा। माँ वाघ देवी की जय, राजा भोज की जय। जय हिंद, जय भारत। सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।